या जो क्रेसुलेसी के मेंबर्स हैं जिनके अंदर कैम पाथवे देखने को मिलता है इनको हम कहते हैं कैम प्लांट्स और कैम प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जैसा कि दे आर अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर जैसा मैंने अभी आपको बताया सेकेंड आता है कि ये जो प्लांट्स हैं दे शो स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा नाउ वॉट इज स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा द स्टोमैटा दैट ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द डे जो कि रात में ओपन होता है और दिन में क्लोज हो जाता है इसको हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा नॉर्मली जो स्टोमेटा मिलते हैं प्लांट्स में दे आर फोटो एक्टिव दैट इज दे ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट कैम प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड असैप्टर है दैट इज द फोस्फो इनॉल पायरोट एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हेयर इज अ फो कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड अब कैम प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर ही दोनों कार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स मौजूद होते हैं दैट इज द रूबिस्को एंड द पेपकेस यहाँ पर क्रैंस एनेटोमी एबसेंट रहती है जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इट वाज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सी फोर प्लांट्स सी फोर प्लांट्स क्या शो करते हैं सी फोर साइकिल और हैच एंड स्लैक पाथवे तो हम ये कह सकते हैं जो कैम प्लांट्स है इसका जो एनेटॉमी है वो तो किसके जैसा है सी थ्री प्लांट्स के जैसा है लेकिन इसका जो फिजियोलॉजी है वो किसके जैसा है दैट इज लाइक द सी फोर प्लांट्स सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे कैम पाथवे अकर्स इन members of crassulaceae family or succulent xerophytes plants exhibiting CAM pathway आर नोन एज कैम प्लांट्स तो जिनके अंदर कैशुलेसन एसिड मेटाबोलिज्म पाथवे चलता है उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं कैम प्लांट्स नर सर्टन फीचर्स ऑफ द कैम प्लांट्स सबसे पहला तो आएगा Adaptation to water conservation. Next, they show the presence of scotoactive stomata opens in night. And closes during the day. Primary carbon dioxide acceptor is phosphoenol pyruvate, and the first stable product. formed is four carbon oxaloacetic acid. Crans anatomy is absent here. And Pepcase and Rubisco are present in the mesophyll cells. Is my examples my ange Opuntia, Kalinjoy Bryophyllum. एलो अगे पाइन एप्पल एक्सेट्रा सो दीज आर द्लांट्स दैट शो दैम साइकिल और द कैम पाथवे सो लेट्स टेक अ क्विक रेव्यू अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है वी हैव स्टडेड अबाउट द कैम साइकिल और द कैम पाथवे विच इज फाउंड इन द केस ऑफ में फैमिली और दकल इन जीरो अब कैम्प प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं सबसे पहला फीचर जो आता है दैट इज दे आर अडेप्टेड टू कंजर्व वॉटर सेकेंड आता है दे शो द प्रेजेंस ऑफ द स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा क्या होते हैं विच ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे

एबसेंट रहती है नाउ लेटर्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ क्रैस्युलेसन एसिड मेटाबॉलिजम पाथवे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम अपन जानते हैं कि ये जो साइकिल है ये कहाँ कंडक्ट होती है इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ वाई बिकॉज इन द कैम प्लांट्स क्रैंस एनाटॉमी इज एबसेंट इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जो कैम प्लांट्स हैं इनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा मिलते हैं दैट इज द ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे तो यहाँ मैंने मीजोफिल सेल्स ड्रॉ करे हैं

अब ये फॉस्फोनॉल पायरोट का होता है कार्बोक्सिलेशन एज अ रिजल्ट बनता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज अ फोर कार्बन कंपाउंड नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इट गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म द मैलिक एसिड इससे बनता है मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजेनेस नाउ ये जो मैलिक एसिड होता है रात में इट गेट्स वैक्यूल में स्टोर हो जाता है अब क्योंकि नाइट में ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एसिडिफिकेशन नाउ दिन में क्या होता है ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा गेट्स क्लोज स्टोमैटा क्लोजेस नाउ एसिड है विच इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल इट

The carbon dioxide evolved and enters into the chloroplast where it is accepted by the ribulose biphosphate and the carbon dioxide get fixed to form the sugars in the presence of enzyme rubisco through calvin cycle. Now this pyruvate produced gets converted into the phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme pyruvate phosphate diakinase. Now let us summarize it once again.

क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन नाउ ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा क्लोजेस मैलिक एसिड फ्रॉम द वैक्यूल एंटर्स इन टू द सेल अब यहाँ पर मैलिक एसिड का होता है डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म द पायरोवेट पायरोवेट इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है इट विल एंटर इन टू द कैलविन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस टू फॉर्म द शुगर और यहाँ जो मेन इंजाइन मौजूद होगा दट इज द रुबिस्को ये पायरोवेट जो है प्रेजेंस ऑफ इंजाइन पी पी डी के नाउ ड्यूरिंग द डे एज देर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इसीलिए इस प्रोसेस को हम डी एसिडिफिकेशन भी कह देते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैम पाथवे और द क्रैस्युलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म चलिए सी थ्री साइकिल अपन ने पढ़ लिया सी फोर साइकिल अपन ने पढ़ लिया विच इज फोटो सिंथेटिकली मोर एफिशियंट सी फोर वाई बिकॉज इट लैक्स द फोटो रेस्पिरेशन अब फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या फोटो मीन्स होता है लाइट लाइट के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज अ फोटो रेस्पिरेशन और द लाइट रेस्पिरेशन नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज टू साइकिल और ग्लाइकोलेट मेटाबोलिज्म ये कब शो होगा इट इज जनरली सीन इन सी थ्री प्लांट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेन्सिटी क्योंकि इन दो कंडीशन में क्या होगा सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन जो है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी क्लियर सो हेयर रुबिस्को थ ऑक्सीजन यानी ये क्या शो करेगा ऑक्सीजनेशन एट दिस कंडीशन क्लियर जिसकी वजह से जो है फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है नाउ बेसिकली इसको पहले तो ये माना जाता था कि इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस वेस्टफुल क्यों कह दिया है क्योंकि यहां पर ना तो ए बनेगा ना एनएडीपीएच2 बनेगा ना ही यहां पर शुगर बन रही है क्लियर इनफैक्ट एक ए इसमें यूटिलाइज और हो जाता है तो यहां हम लिखेंगे नो फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एन ए डी पी एच टू शुगर इंस्टेड वन ए टीपी इज यूटिलाइज एक ए टीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा एंड इन फोटो रेस्परेशन थ्री ऑर्गेनलीज आर इन्वॉल्व थ्री ऑर्गेनि इसमें इन्वॉल्व रहती हैं कौन कौन सी हैं क्लोरोप्लास्ट पर एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया अंडरस्टूड नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि भाई ये वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज देखो जब ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है यानी जब सी ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन लेवल से कम है तो इस केस में कार्बोक्सीलेशन तो होगा नहीं तो जो हाई लाइट इंटेंसिटी है यानी जो हाई एनर्जी है वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है क्लियर तो उससे बचने के लिए क्या होते हैं जो प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं दे शो फोटो रेस्पिरेशन क्लियर तो यहां हम लिख सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज सो दैट वॉज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है एक बार जल्दी से इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या है इसको हम लाइट रेस्पिरेशन भी कहते हैं ऑल्सो नोन एज द सी टू साइकिल और द ग्लाइकुलेट मेटाबोलिज्म क्योंकि यहाँ जो पहला कंपाउंड बनेगा वो टू कार्बन होगा क्लियर देन इन सी थ्री प्लांट्स यही कंडीशन देखने को मिलेगी फोटो की एट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से कहीं ज़्यादा होगी तो रोबेस्को होगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सीजनेशन शो करेगा ना कि कार्बोक्सीलेशन इस दौरान जो है ना तो ए बनता है ना एन ना शुगर इनफैक्ट एक ए इसमें यूटिलाइज और हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन में तीन इन्वॉल्व रहती हैं क्लोरोप्लास्ट पर एंड फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द प्लांट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज नाउ अस डिस्कस अबाउट फोटोरेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन डिटेल देखिए फोटो रेस्पिरेशन के जनरल फीचर्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है इट इज कॉमन इन द थ्री प्लांट्स और द प्लांट्स विच शोज द कैल्विन साइकिल और सी थ्री साइकिल और इसीलिए ये प्लांट्स जो हैं दे आर फोटो सिंथेटिकली लेस एफिशेंट इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द सी फोर प्लांट्स जो कि हैच एंड स्लैक पाथवे या सी फोर साइकिल शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता जबकि C3 थ्री प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है जब हम बात करें फोटो की तो हम जानते हैं कि इसके दौरान क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड और रिड्यूस टू फॉर्म द शुगर्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिसन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट जबकि हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन की तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो होगा देर इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड और क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसीलिए इसे कहा जाता है फोटो रेस्परेशन एज वी नो रुबेस्कोशोज डूल नेचर यानी कि इट हैज द एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल एज दैट विद द कार्बन डाईऑक्साइड मगर ये डिपेंड करता है इन दोनों के रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे यानी कि अगर कार्बन डाई ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन इट विल शो कार्बो ऑक्सीलेशन एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर रिलेटिव टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन इट विल शो ऑक्सीजनेशन जनरली ऑक्सीजनेशन देखने को मिलता है एट हाई टेम्परेचर्स ओके सो यहां पर क्या होगा कि टू मोल्स ऑफ आरबीपी कंबाइंस विद टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को टू फॉर्म टू फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम पीजी कहते हैं दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं अब फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या है टू कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है इट इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड क्लियर नाउ दिस फॉस्फो गाइकोलेट गेट्स डी फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म द ग्लाइकोलेट विच इज अ टू कार्बन कंपाउंड और इसीलिए इस साइकिल को हम सी टू साइकिल भी कहते हैं अब ये जो ग्लाइकोलेट है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट इट विल गेट डिफ्यूज इन टू द परोक्सीजोम ये परोक्सीजोम में डिफ्यूज होता है और परोक्सीजोम में जाकर इसका होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा एज अ रिजल्ट यह क्या बनाएगा ग्लायो ऑक्सीट एंड परोक्साइड ये जो परऑक्साइड है इट विल बी कैटेलाइज इन टू वॉटर एंड ऑक्सीजन अमीनो एसिड दैट इज द ग्लाइसिन विच देन मूव इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ फ्रॉम दिस टू मोल टू कार्बन अमीनो एसिड ग्लाइसिन आर फॉर्मड वन मोल ऑफ थ्री कार्बन सीरी ठीक है अब यहाँ टू मोल्स हैं ऑफ टू कार्बन अमीनो एसिड ग्लाइसिन तो कितने कार्बन हो गए फोर कार्बन और यहाँ पर है वन मोल ऑफ थ्री कार्बन सीरीन तो यहाँ है थ्री कार्बन तो अभी एक कार्बन जो है एक्स्ट्रा है दैट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन फ्रॉम ग्लाइसिन टू सीरिन नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिमूव इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया विच इज एसिमुलेटेड इमिजिएटली एंड एन ए डी पी प्लस

विच एंटर्स द कैलविन साइकिल तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी साइकिल है दिस रिप्रेजेंट्स द फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ पर ना तो ए टी पी बनता है ना यहाँ पर एन ए डी पी एच बनता है और ना ही यहाँ पर शुगर्स बनती है इंस्टेंट यहाँ पर एक ए टी पी यूज और हो जाता है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाईऑक्साइड इज ऑल्सो रिमूव्ड इसीलिए इसको कह दिया जाता है फोटो रेस्पिशन बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बिकॉज हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू कार्बन कंपाउंड दैट इज द ग्लाइकोलेट हैंस इट इज ऑल्सो रेफर टू एज दी टू साइकिल